उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रंस गर्ल कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध हालत में 31 जुलाई को मौत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल और क्लास टीचर को जेल भेजने की कार्रवाई की। इसके बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी लामबंद हुए। विरोध के तौर पर पूरे देश में मंगलवार यानी कि 8 अगस्त को प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया। गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली, मेरठ समेत सभी जगहों पर प्राइवेट स्कूल एक दिन के लिए बंद रहे। ऐसा कुछ नहीं अंदेशा था, ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे हैं और हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं ना, बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम मारने का तो काम करते नहीं हैं, बच्चों को बचाने का काम करते हैं। मैं तो अपनी बात बताऊंगी कैसा हमारे यहाँ होता है। यहाँ तक कि 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी बच्ची को ले जाके सबको पहचाना गया, किसी यही बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला था। मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पुलिस प्रशासन को मामले में हर बिंदु पर जांच करनी चाहिए। इसके बाद गिरफ्तारी करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बिना ठीक जांच पड़ताल की गिरफ्तारी के शिक्षकों में अभी भी डर है। इस वजह से प्राइवेट स्कूल वालों ने एकता दिखाकर 8 अगस्त को स्कूल बंद करने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ में स्कूली बच्चों के अभिभावकों ने 9 अगस्त को अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने और स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है, अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो जिस तरह श्रेया के साथ घटना हुआ वैसे ही किसी दिन हमारे या किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा एक बैच पूरे बोर्ड द्वारा आज पूरे यूपी में बंदी करके इसको इन्होंने एक अलग रूप देने का काम किया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसी के अपेक्ष में हम लोग ने ये कहा है कि जब 8 को वो बंद कर सकते हैं तो 9 को अभिभावक अपने बच्चों को भेजने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब उनका मन करेगा वो विद्यालय बंद कर देंगे। जब उनका मन करेगा, फीस लेट नहीं होती तो आप लेट फीस लेते हो, 30 दिन की फीस लेते हो, आप किस लिए आज बंदी की हो। इस मामले में UPAS यानी कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सवाल किया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, या तो फिर बच्चे को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए। किसी भी विद्यालय में जब इस प्रकार की घटना होती है तो उसे सबसे ज्यादा दुख विद्यालय या विद्यालय संचालक से जुड़े लोगों को होता है। टीचर बच्चों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं।